वेलकम स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के गेट एग्जाम में सेट टू में दो मार्क्स के लिए तो पहले हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं अ फाइल सिस्टम यूज इज एन इन मेमरी कैश टू कैश डिस्क ब्लॉक्स द मिस्ट्रेट ऑफ द कैश इज शोन इन द फिगर the latency to read a block from the cache is 1 millisecond and to read a block from disk is 10 millisecond assume that the cost of checking whether a block exists in the cache is negligible available cache sizes are in multiples of 10 mb the smallest cache size required to ensure an average read latency of less than 6 एम एस इज डैश एम बी ओके तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक इन मेमोरी कैश को रीड लिटेंसी चाहिए वन मिली सेकेंड इन मेमोरी का मतलब प्राइमरी मेमोरी में मेंटेन की गई कैश यानी कि ये जो रीड लिटेंसी है ये मेन मेमोरी की रीड लिटेंसी है ओके okay. यानी कि कैश जो है वो मेमोरी में ही है एंड सेकेंड थिंग इज डिस्क को रीड करने के लिए 10 मिली सेकेंड चाहिए ओके ऑल्सो दे आर द कॉस्ट ऑफ चेकिंग वेदर एग्जिस्ट इन कैश इज ये चेक करने के लिए कि आपका डिजायर्ड ब्लॉक कैश में है या नहीं यानी कि मेन मेमोरी में है या नहीं वो टाइम नेगलिजिबल है मीन्स आप सेफली साइमल्टेनियस एक्सेस का फॉर्मूला यूज कर पाओगे आपको हेरार्किकल एक्सेस कंसिडर करने की जरूरत नहीं है ओके okay. अब देखते हैं कि एवरेज रीड लेटेंसी आएगी कितनी इस सिस्टम के लिए उसके लिए हमें पता होना चाहिए मिस रेट जो कि गिवन नहीं है तो यहां मिस रेट एज्यूम कर लेते हैं एम ओके तो एवरेज रीड के लिए कितना टाइम लगेगा इनटू हिट रेट ऑफ कैश

द स्मॉलेस्ट कैश साइज रिक्वायर टू इंश्योर एन एवरेज रीड लेटेंसी ऑफ लेस देन यानी कि ये जो एवरेज रीड लेटेंसी हम निकाल रहे हैं ये लेस देन होनी चाहिए तो इसे रख लो लेस देन और एम की वैल्यू निकालो सो दिस विल बी सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस एम प्लस टेन एम सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस नाइन एम यहां से फाइव बाई नाइन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम ऑल्सो सॉल्विंग दिस यू विल गेट पॉइंट फाइव फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम मतलब एम लेस देन है जीरो पॉइंट फाइव वन फाइव फाइव जिसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें एम फिफ्टी फाइव परसेंट से कम ही होगी अगर हम छे मिली सेकेंड की लेटेंसी चाहते हैं लेटेंसी छह या छ से कम चाहते हैं ओके तो आप देखो ग्राफ में नोट करो 55 परसेंट वाई एक्सेस पे जहां पे मिस रेट लिखा हुआ है मिस रेट इन परसेंटेज वहां पे 55 परसेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी कैश की ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि मल्टीपल ऑफ टेन है और क्वेश्चन में हमें यह भी गिवन है कि अवेलेबल कैश साइजेस आर इन मल्टीपल ऑफ टेन एम ओके यानी कि कैश या तो दस एम होगी या बीस होगी या तीस होगी एंड ऑन तो अब देखो 55 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी मल्टीपल अवेलेबल नहीं है तो आप 55 से कम वैल्यू भी तो एज्यूम कर सकते हो बिकॉज एम आया लेस देन 55 परसेंट तो 55% परसेंट से कम वैल्यू अगर आप लेना चाहते हो तो वो सीधा आपको जाके मिलेगी 40%। परसेंट यानी कि अगर आप 40% परसेंट मिसरेट एज्यूम कर लो तो आपको यहां पर छ मिली सेकेंड से कम टाइम ही लगेगा और 40% परसेंट मिसरेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो कैश साइज है वो है थर्टी एम So answer to this question is 30 MB cache okay